नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो इतने पपीता ले लिया, तो कम से कम नहीं जो 2 किलो का होएगा। तो अच्छा पका पपीता मार्केट से लेके आया, तब इसको धो लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको धोएंगे। तो इस तरीके से इसको धो दिया। तो आगे पीछे पोर्शन काट के मैंने ऐसा काट लिया, बीच में से 2 कर ले। तो अब इसके बीजा निकाल दिए, तो बीजा एक में कर दिए, तब इसके बीजा हटा देंगे। तो इस तरीके से इसको काट लिया मैंने अच्छे से। अब इसके अच्छे तो ऐसे काट लिए अच्छे टुकड़ों में बारीक। अब इसमें डालूंगी मिक्सर जार में, तो इसको पीस के लाऊंगी। तो अच्छे से इसका पेस्ट बना लूंगा मैं, ये देखिए। तो अब इसका पेस्ट बना के लाऊंगी। चलो पीसती हूँ दोस्तों। मैंने पीस लिया बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने पीस के पेस्ट बना लिया। तो अब इसमें डालूंगी आटे में। तो इधर मैंने एक कटोरी से 1 कटोरी आटा ले लिया, इसी में नमक डाल लिया। तो अब इसी में इसको डालूंगी, देखिए। तो इसमें अच्छे से लगा लूंगी इसको। तो जितना आटा इसी में आएगा उतना ले लूंगी और मैं। थोड़ा सा टाइट करूंगी, थोड़ा सा आटा और लगा दे रही हूँ मैं। पीते मैंने आटा ला के रख लिया, देखिए दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छा आटा सॉफ्ट लग गया। इधर गैस चालू करके मैंने तवा पैन रख दिया। तो अब इसी में तेल है, तो मैं तेल को डाल देती हूँ। तो मैं तेल डाल रही हूँ गर्म होने के लिए। तेल में डाल दिया थोड़ा सा, इधर ले लेती हूँ चौकी पे लाऊंगी थोड़ा सा तेल। बेलन में भी लगा देती हूँ। इस तरीके से अच्छे छोटे छोटे गोल गोल लोई बना कर रख लूंगी। तो दोस्तों तेल गरम हो गया, इधर मैंने पूरी लोई बना कर रख ली सारी। इस तरीके से सारे पेड़ा बना लिए। तो ऐसे बेल ली, तो बेल बेल के अब मैं जितनी इसमें आएगी उतनी डालूंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने डाल दी, ऐसे बेल बेल के डाल देती हूँ, निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से वैसे फूली फूली ये बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारी पूड़ी बना लेंगे। पपीता की पूड़ी तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने बना ली, बहुत अच्छी बनी है। तो ये बना ली, अभी ये कोर रही है, सिक रही है। तो ये सिक रही है, तो इसको भी ले ली। तो दोस्तों मैंने बना ली पपीता की पूड़ी, तो बहुत अच्छी बनी और खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप जरूर ट्राई करिए, जरूर बनाइए, क्योंकि पपीता भी आ रहा है, अच्छे पपीता का सीजन है। बहुत बर्गर के पपीता आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने मार्केट से ही लाई थी। तो उसकी बनाई, तो अचार के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ ही। मैंने अचार भी ले लिया, आंवले का अचार और इधर सब्जी। तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी दिख रही है, खाने में भी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।